हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में हमने द बेबी सिटर मूवी के बारे में बातें करी थी और आप सब ने उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया। उस मूवी के दौरान हम सब ने देखा था कि बी के पास एक सैटैनिक बुक थी जिसमें डेविल के कुछ वर्सेस थे, एंड दैट मेक्स अस वंडर कि क्या सचमुच हमारी दुनिया में डेविल की कोई किताब मौजूद है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम कोडेक्स गीगास नामक किताब के बारे में बातें करने जा रहे हैं, जिसे लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, ये बात सन 1648 की है, जब 30 साल से चल रही जंग के बीच स्वीडिश जवानों ने प्राग शहर को लूट लिया। अब इस लूट में स्वीडिश लोगों को काफ़ी खजाना मिला, लेकिन इन सब के बीच उन्हें एक बहुत ही बड़ी किताब मिली जिसका नाम कोडेक्स गीगास था। ये किताब तकरीबन 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। किताब की आउटर बाइंडिंग लकड़ी एंड लेदर से बनी है और इस किताब के ऊपर कुछ मेटल गार्ड्स और फिटिंग भी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किताब मेडिवल एज की सबसे बड़ी हस्तलिपि है और इस किताब का वजन तकरीबन 75 किलो है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और ये सारे पन्ने एनिमल स्किन से बनी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि इन पेजेस को बनाने में तकरीबन 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था। अब हालांकि इस किताब में कुल मिलाकर 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ सिर्फ 310 पन्ने ही मिलेंगे। आखिरी के 10 पन्नों का क्या हुआ, इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता, लेकिन इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज के बारे में हम इस वीडियो में आगे जरूर बातें करेंगे। अब दोस्तों, इन बातों के बीच हमारे मन में एक सवाल ये आता है कि आखिर इस पौराणिक हस्तलिपि को लोग डेविल्स बाइबल क्यों बुलाते हैं। इसका जवाब ये है कि इस किताब के एक पन्ने पे हमें डेविल की 19 इंच लंबी तस्वीर दिखती है, और ये तस्वीर बहुत ही अजीब है। वीडियो में दिख रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शैतान झुक कर बैठा है और उसकी शक्ल सामने की तरफ है। शैतान के सिंग और नाखून लाल है और वो मोस्टली नेकेड है, सिवाय एक अरमायन लायन क्लोथ की जिसे उसने नीचे पहन रखा है। दोस्तों, ये कपड़ा रॉयल्टी यानी कि शाही होने का प्रतीक है, और ऐसा माना जाता है कि डेविल इस अरमायन लायन क्लोथ को तभी पहनता है जब वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस हो। अब इस पेज की ऑपोजिट पेज पे हमें एक हेवनली सिटी की तस्वीर दिखती है, और ये तस्वीर शायद हेवनली जेरुसलेम को रिप्रेजेंट करती है जिसका जिक्र बुक ऑफ रेवलेशन में है। ऐसा माना जाता है कि ये तस्वीरें लोगों के जीवन के दो पहलू को दिखाते हैं, एक है गॉड फियरिंग लाइफ और एक है हॉरर्स ऑफ ए सिंफुल लाइफ। नाउ आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर इस रहस्य से भरी किताब को किसने लिखा और इस किताब को लिखे जाने में कितना वक्त लगा होगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें दो नज़रिए से रखूंगा। एक नज़रिया है साइंटिफिक और दूसरा है सुनी सुनाई कहानियाँ। तो अगर हम सुनी सुनाई कहानियों की बातें करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि इस किताब को एक मंक ने मिडिल एजेस में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इस मंक ने अपने राज्य की मॉनेस्ट्री के वचनों को तोड़ दिया था, और इसीलिए इस मंक को दीवारों में चुनवा देने की सजा सुनाई गई थी। इस सजा से बचने और अपनी जान बचाने के लिए मंक ने राजा से वादा किया कि वो केवल एक रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें उसकी सारी नॉलेज होगी, और इसके अलावा वो किताब वहाँ के मॉनेस्ट्री को ग्लोरीफाई भी करेगी। राजा इस प्रस्ताव को मान गया, लेकिन जब मंक ने ये किताब लिखनी शुरू करी तो वो समझ गया कि एक रात में इसे कंप्लीट करना नामुमकिन है। इसलिए मंक ने लूसीफर की मदद मांगी और डेविल ने इस किताब को केवल एक रात में ही खत्म कर दिया। यही वजह है कि मंक ने डेविल की एक तस्वीर इस किताब में बनाई, विच इज़ अ वे ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब आई नो कि ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, और इसलिए हम अब दूसरे नज़रिए से कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस किताब में लिखे हुए शब्दों के अलावा कई शिल्पकारी और चित्र भी हैं। अगर एक इंसान लगातार काम करते हुए केवल इसकी लिखी हुई टेक्स्ट को दोबारा से इसी स्केल पे लिखेगा तो उसे तकरीबन 5 साल लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई एक इंसान इस किताब में बनाए हुए चित्र या शिल्पकला को भी हूबहू उतारेगा तो उसे ये किताब पूरी तरह से कंप्लीट करने में तकरीबन 30 साल लग जाएंगे।
यानी कि इस किताब को एक ही रात में कंप्लीट करना तो आम इंसान के सोच से भी परे है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब वैज्ञानिकों ने इस किताब की लिखावट पे गौर किया, क्योंकि इस किताब की लिखावट थ्रू आउट द बुक एकदम सेम है। अब इस बात पे कई लोगों का कहना है कि राइटर ने अपनी आधी जिंदगी इस किताब को लिखने में गुजारी होगी, लेकिन इस बात में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के परीक्षण में ये बात साबित हुई है कि उम्र के साथ साथ एक इंसान की हैंडराइटिंग पैटर्न्स भी चेंज होती है और किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग 30 साल तक सेम नहीं रह सकती। इसके अलावा एक इंसान का कभी मूड खराब होता है या फिर इंसान कभी बीमार पड़ता है तो उसकी लिखावट बदल जाती है। यानी कि अगर इस किताब को किसी ने 30 साल तक लिखा है तो बुक में हमें हैंडराइटिंग पैटर्न्स चेंज होते हुए ज़रूर दिखते, लेकिन सरप्राइजिंगली इस किताब की हैंडराइटिंग पैटर्न एकदम सेम है थ्रू आउट द बुक। दिस सजेस्ट्स कि इस किताब को बहुत ही कम समय में लिखा गया है और यह 100% एक हस्तलिपि है। इन बातों को सुनकर मुझे तो यही लगता है कि इस किताब को लिखे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि शायद हम में से किसी को नहीं पता। अब दोस्तों, यहाँ एक और सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर इस किताब के अंदर क्या लिखा गया है और राइटर ने किस भाषा का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि डेविल्स बाइबल लैटिन में लिखी गई है और इसके अंदर कुछ हिब्रू टेक्स्ट भी हैं। इसके अंदर पूरी वल्गेट बाइबल को लिखा गया है और इसके अलावा इस किताब में ज्यूइश वॉर, ज्यूइश एंटिकिटीज, सेंट इसिडोर की इंसाइक्लोपीडिया, द क्रॉनिकल्स ऑफ बोहेमिया, मेडिकल प्रैक्टिसेस, पेनिटेंस और एग्जॉर्सिज्म जैसी चीज़ों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस हस्तलिपि की बोल्ड लेटर्स को लाल, हरा, पीला, नीला और स्वर्ण रंगों से लिखा गया है और किताब के ज़्यादातर पन्ने काफ़ी सजे हुए हैं। अब अगर हम इस किताब के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चल है और इन्हीं बातों के बीच हमें इस किताब की आखिरी 10 पन्नों के गायब होने की थ्योरीज के बारे में भी कुछ हिंट्स मिलती है। सो एज द लेजेंड से इस किताब को हरमन द रेक्लूज ने लिखा है और ये वही मंक है जिसकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। इस मंक की मॉनेस्ट्री चेक रिपब्लिक में थी और 15th सेंचुरी के हसिट रिवॉल्यूशन के दौरान ये मॉनेस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसके बाद ये किताब कई मॉनेस्ट्रीज में रखी गई, लेकिन फाइनली इट वाज सेंट टू प्राग जहां इस किताब को एम्परर रोडोल्फ टू ने पढ़ने के लिए बोरो किया था। फिर प्राग से इसे स्वीडिश आर्मी ने लूटा और उसके बाद इस किताब को स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रखा गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में आग लग गई और इस आग से बचाने के लिए डेविल्स बाइबल को लाइब्रेरी से नीचे फेंका गया था। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से इस बुक की बाइंडिंग्स टूट गई और कई लोगों का मानना है कि इसी दौरान डेविल्स बाइबल की आखिरी 10 पन्ने गायब हो गए। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि जब इस किताब को नीचे फेंका गया था तो ये किताब एक इंसान के ऊपर गिरी थी जिससे उस इंसान को काफ़ी चोटें आई थी। इस बात के अलावा कई लोगों का कहना है कि इस किताब के आखिरी 10 पन्नों को जानबूझकर निकाला गया है क्योंकि उन पन्नों में कुछ ऐसी विधि लिखी है जिससे एक इंसान शैतान को हमारी दुनिया में बुला सकता है। अब ये बातें कितनी सच हैं इसका प्रमाण तो शायद किसी के पास नहीं है। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो डेविल्स बाइबल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में डिस्प्ले पे है और आज भी कई वैज्ञानिक इस किताब से जुड़े रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। नेशनल ज्योग्राफिक ने इस बुक पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसे आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ अक्सर डीमोनेटाइज होती है और इस वजह से इनकी रीच भी काफ़ी कम हो जाती है जिससे एक वीडियो क्रिएटर पर काफ़ी असर होता है। तो अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पेटीएम पे डोनेट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप डोनेशंस देना नहीं चाहते तो आप एटलीस्ट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।